आज इस फार्म का एनालिसिस करना है, तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लगभग 12 से 15% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का अभाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों का बीस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है। प्लानिंग आप बढ़िया तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से कर पाते हैं। अंगूठा पीछे की तरफ अत्यधिक झुका हुआ है। ये अंगूठा आपके अंदर मिलनसार स्वभाव को बढ़ावा देता है। ऐसे ही लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। हार्टलाइन आपके इनिशिएटिव होते हुए दिखाई दे रही है। जुपिटर से देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग। किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पैसा उसके बाद आता है। सिंगल लाइन की हार्टलाइन है। सिंगल लाइन की हार्टलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों की शादी इनके पसंद से होती है। हार्टलाइन आपकी उंगलियों की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रही है। हार्टलाइन यदि उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने की वजह से इसके गुणों में कमी आ जाती है। और पर्वतों के गुणों में कमी आने के कारण संघर्ष बढ़ जाता है। सफलता देरी से मिलती है। कठिनाई अधिक देखनी होती है। इसके साथ ही ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है। ये लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कॉन्सेंट्रेशन का अभाव पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, यानी कि पसंद नापसंद इनके समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके साथ ही माइंड लाइन आपकी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है कुछ वक्त के लिए हार्ट लाइन की तरफ। माइंड लाइन का हार्ट लाइन की तरफ शिफ्ट होना अच्छा नहीं होता है। पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाती है उसी के गुणों को अपनाती है। तो यहाँ आपकी माइंड लाइन हार्ट लाइन के गुणों को अपनाते हुए दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपके जितने भी फैसले होंगे तकरीबन 27 से लेकर के 35 के लगभग वो आप दिल से लेंगे। और दिल से लिए हुए फैसले सिर्फ फिल्मों के लिए ठीक होते हैं, रियल लाइफ में ये आपको नुकसान देते हैं। लेकिन 35 के बाद आपके माइंड लाइन पर अचानक से अच्छी तब्दील आती हुई दिखाई दे रही है। और 35 के आसपास से आपकी माइंड लाइन पुनः जुपिटर से इनिशिएट हुई है। इस आयु के बाद आपकी बौद्धिक क्षमता में अचानक से वृद्धि होगी। अत्यधिक बुद्धिमान हो जाते हैं ये लोग। अपनी क्षमताओं का सही से आकलन आप कर पाएंगे, इसीलिए जिस भी फील्ड का आप चुनाव करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। सफलता कम मेहनत में आपको ज़्यादा मिलेगी। अत्यधिक सफल होते हुए वैसे ये पॉजिटिव चेंज है 35 के आसपास, लेकिन अभी भी आपके माइंड लाइन पर प्रेशर लाइन जनरेट होता हुआ दिख रहा है। ये प्रेशर लाइन जनरेट होना स्टार्ट हुआ है 29 से लेकर के 37 तक है।
प्रेशर लाइन जब भी आपकी माइंड लाइन पर बनता है, ऐसे लोग अनावश्यक चिंताओं में अपने आप को घिरे रहते हैं और इनका दिमाग नकारात्मक विचारधारा की ओर ज़्यादा प्रवाहित होता है। लेकिन 35 से पॉजिटिव चेंज आया और सबसे अच्छा चेंज या परिवर्तन आप कह सकते हैं 37 के आसपास से आता हुआ दिखाई दे रहा है। 37 से आप अत्यधिक सफल होते हुए दिख रहे हैं। 37 में आपको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलेगी आपके बिजनेस में ही, क्योंकि आपके माइंड लाइन से एक शाखा निकलकर मर्करी के माउंट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस भी आयु से आपके माइंड लाइन से कोई शाखा निकलकर मर्करी के माउंट की तरफ जाती है और यदि आप व्यापार कर रहे होते हैं, आपको सफलता बड़ी मिलती है। 37 के बाद आप अत्यधिक सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिंताओं का दौर ख़त्म होगा और जैसी आपकी काबिलियत है उस हिसाब से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। वैसे एक चीज़ मैं पहले बता दूं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ साइन ऐसे हैं जिसने आपको बिल्कुल अलग बनाया है और ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, उस साइन का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, कि आपको सफलता छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मिलने वाली है। इतनी बड़ी जितनी कि आपने अपने आप से उम्मीदें भी नहीं रखी होंगी। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, खास करके 35 के बाद इसका असर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। और ये माइंड लाइन कहीं ना कहीं 35 के बाद आपके अंदर तानाशाही रवैया को बढ़ावा देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाती हैं और इस तरह से यदि ये शिफ्ट हो जाए मून माउंट की तरफ, इसके दो परिणाम होते हैं, फॉरेन सेटलमेंट होता है या व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता। किसी को दो, किसी को एक परिणाम हासिल होते हैं। अब हम उसी साइन का जिक्र यहाँ पर करने वाले हैं जिसको देखने के बाद इस बात की पुष्टि होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि आप अपने लाइफ में बहुत सफल होंगे। ये है, मैंने बहुत कम लोगों के हाथ में ये साइन देखे हैं। किसी के भी हाथ में केतु के माउंट से यदि मर्करी की लाइन इनिशिएट होती है और कोई भी कट ना हो, अच्छे से सिंगल लाइन के माध्यम से ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे। यदि आपको पाल्मिस्ट्री नहीं आती है, आपको हाथ नहीं दिखाना है, केवल ये साइन यदि आपके हाथ में है, इस बात की गारंटी है कि आप आने वाले टाइम में बहुत बड़ी आप सेलिब्रिटी के तौर पे जाने जाएंगे, बहुत बड़ा फेम मिलेगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी और अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपके हाथ में एक और साइन है, लक लाइन से मर्क्यूरी की लाइन निकल रही है। लक लाइन से जब मर्क्यूरी की लाइन निकलती है, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाती है और इतनी बड़ी मर्क्यूरी की लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ये लोग IAS IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं, स्टेट PCS। आप गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए तैयार नहीं हैं या फिर आपका मन नहीं था इसलिए आपने ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन यदि आप ट्राई करते तो आपका हो जाता। इसके अलावा जिन लोगों के भी हाथ में इस तरह की साइन होती हैं, उनको सलाह होती है मेरी तरफ से कि यदि आपके पास कोई काम गवर्नमेंट की तरफ से आता है या आप ले सकते हैं तो लीजिए, उस काम में आपको सफलता अधिक मिलेगी। यदि आउटर मार्स से कोई भी लाइन आकर के आपके लक लाइन के साथ या मर्करी के लाइन के साथ अटैच हो जाती है, आप कभी भी बिज़नेस को चेंज करना चाहें या किसी और बिज़नेस के माध्यम से भी आगे बढ़ना चाहें, तो रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ काम कीजिएगा, बहुत सफलता मिलेगी। लक लाइन आपकी वीनस माउंट से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। शादी के बाद इन लोगों का भाग्य उदय होता है और लक लाइन, एक लक लाइन की शाखा आपके मेन लक लाइन से अटैच्ड होते हुए दिख रही है। ये शाखा इनिशिएट हुई है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। इसके साथ ही मान लीजिए मून माउंट से यदि लक लाइन की शाखा आपके मेन लक लाइन से इनिशिएट होती है या मून माउंट से ही आपकी धनरेखा की शुरुआत होती है, प्राचीन यदि पाल्मिस्ट्री के बुक्स की बात की जाए तो वहाँ पर ये मेंशन है कि ये लोग अपने घर से जितनी दूरी पर रहते हैं उतनी ज़्यादा इनको सफलता मिलती है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये साइन बताता है कि आपके आसपास रहने वाले लोगों के अंदर यदि नेगेटिव एनर्जी है तो वो आपके अंदर आ सकती है, आने के बहुत चांसेस रहते हैं। यानी ये दूसरों के अंदर पल रहे नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेते हैं।
तो उस वजह से इनका बना बनाया काम बिगड़ जाता है, इनकी सोच गलत दिशा की तरफ चली जाती है, ये सही से कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते अपने काम पर। इसी वजह से होता क्या है कि कोई भी अपना हो, चाहे आपके दोस्त हों या आपके रिलेटिव हो, आपको बहुत सफल होते हुए वो नहीं देख सकते हैं। और इस वजह से मान लीजिए आप अपने घर के आसपास रहते हैं, आपका बर्थ प्लेस जहाँ पर है, आपके रिलेटिव है, ऑब्वियसली अगर आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में तो वो आपको देख करके जलेंगे। अब वहाँ उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जब उनसे आपकी मुलाकात होगी तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी और आपके बने बनाए काम वहाँ पर बिगड़ सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को प्राचीन जो पाल्मिस्ट्री की बुक है उसमें सलाह दी गई है कि आप अपने घर से जितनी दूरी पर रहेंगे आपको सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। ये वाली लखलाइन जिलों पर भी हाथ में होती है। बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, अपनी बुद्धि अपने ज्ञान के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। जिन लोगों के भी हाथ में जुपिटर के माउंट पे दो रिंग ऑफ सोलोमन हो, उसका क्या परिणाम होता है? आपके हाथ में स्पष्ट तौर पे दो रिंग ऑफ सोलोमन का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। ये लोग यदि बिजनेस करते हैं इतनी सफलता पाते हैं जितना एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। यानी एक आम इंसान कि सोच जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से इनकी सफलता का दर स्टार्ट होता है, सफलता का जो मापदंड है वहाँ से इनिशिएट होता है। आपको नेशनल फेम अच्छा खासा मिलता हुआ दिख रहा है और उससे भी अच्छा इंटरनेशनल फेम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपको यदि मौका मिले कोई ऐसा काम करने का जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन हो तो वो आप कीजिएगा, बहुत सफल होंगे। और ये वाली लाइन जिन्हों के भी हाथ में होती है, कोई भी लाइन, पतली सी भी लाइन यदि कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में, ऐसे लोगों को विदेश घूमने का मौका मिलता है और कोई ना कोई काम ये लोग ऐसा करते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। आपके हाथ में कंप्लीट फिश की साइन बन रही है। फिश की साइन जब आपके हाथ में होती है, ये आपके सन खास करके सन माउंट पे यदि है, ये आपके सन लाइन की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। ये आपके जीवन में धन के आगमन को तभी बढ़ाती है जब धन की रेखा की स्थिति ठीक हो। यदि धन रेखा आपकी फैली हुई है, बहुत गहरी है, डार्क है, तो ये चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर पाती है, या धन रेखा नहीं है तो पैसा ऐसे भी नहीं आएगा। ये मदद उसी की करती है जो अपनी मदद खुद करते हैं या जिनके हाथ में ऑलरेडी काफ़ी पैसा होता है, यानी पैसे के पास पैसे को खींचता है। इस शब्द को समझिए, पहले आपके पास मान लीजिए लाखों हैं तो ये उसको करोड़ों बनाने में आपकी मदद करेगा, लेकिन यदि आप किसी के पास ज़ीरो है तो वो उसको कभी भी हज़ार भी नहीं देगा। यानी धन रेखा है तभी आपकी मदद करता है, अन्यथा कोई हेल्प नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पैसे को लेकर के धन रेखा का सुदृढ़ होना, जो आपके हाथ में काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छे फॉर्म में है। और यदि आप धन रेखा पर उम्र की गणना करते हैं तो 37-38 के बाद से आपकी धन रेखा बहुत सही रूप में निखर के सामने आई है। इतनी अच्छी धन रेखा जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की कमाई करते हैं। तो आपका हाथ काफ़ी शानदार है, बहुत अच्छा हाथ है। और ये वाली लाइन शायद मैंने नहीं बताई है तो फिर से मैं बता दूं, या बता दी है तो एक बार और सुन लीजिए। ये वाली लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े अहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है, इनकी कई बातों को सुनते हैं और इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं। आपके हाथ में हीलर्स लाइन है। जिन लोगों के भी हाथ में हीलर्स लाइन होती है, ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं, इसीलिए उनके समस्याओं का समाधान ये बढ़िया देते हैं। आपके हाथ में एक नहीं बल्कि दो दो फिश की आकृति है। पैसा तो बहुत है आपके पास, बहुत, मतलब मुझे नहीं पता आपके ख्वाब कितने बड़े हैं, लेकिन जितने भी बड़े हैं उससे भी ऊंचा ख्वाब देखने की आपको, देखने का हक है आपको, आप देख सकते हैं सपना, जितना बड़ा आप देख सकते हैं देखिए, क्योंकि कोई भी सपना आपका अधूरा नहीं रहने वाला है। जितनी
ख्वाहिश है आपकी वो सभी पूरी होते हुए दिख रही है, जो भी ख्वाहिश है। बहुत अच्छा हाथ है, बहुत अच्छा हाथ है। जुपिटर का माउंट का जो प्लेस है वो बिल्कुल सही जगह पे है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपको करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। यदि सैटर्न के माउंट पे हल्का सा भी यहाँ पे दबाव बन जाता है, जीवन में कभी ना कभी आपको लोन लेना होता है या उधार जिसे कहते हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष से ले सकते हैं या गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से, लेकिन कभी ना कभी आपके उधार चलता है। सन माउंट अच्छा है, हल्का सा नीचे दबा हुआ है, तो वही है कि सफलता में आपको देरी हुई है, अन्यथा इस तरह के हाथ के साथ आपको बहुत पहले ही अत्यधिक सफल हो जाना चाहिए था। माइंड लाइन भी ने भी साथ नहीं दिया, इस वजह से स्टार्टिंग की लाइफ आपकी अच्छी नहीं रही, लेकिन इतनी गारंटी है कि 35 से तो पॉजिटिव चेंज आ ही रहा है, लेकिन 37 से मैजिकल चेंज आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। मर्स होता हुआ दिख रहा है आपका, ये मर्क्यूरी का माउंट और सन माउंट, ये दोनों अमाउंट्स जब एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, ये लोग, इन लोगों की बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण होती है, अति बुद्धिमान होते हैं, अति ज्ञानी होते हैं, और किसी खास करके यदि ये विज्ञान के जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उस फील्ड में यदि ये जाते हैं, जैसे विज्ञान का क्षेत्र हो गया, साइंस के फील्ड में, पॉलिटिक्स में और व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस में बहुत सफल होते हैं। इनामास काफ़ी अच्छा है, ऊर्जावान है आप, एनर्जेटिक है आप, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है, मैं पहले बता दूं कि ये उभार लिए हुए है, और जब भी आपका इनामास उभार ले लेता है और आपका अंगूठा भी, कई वाला पार्ट भी उभार लिए हुए है, गुस्से की अधिकता ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलती है। तो गुस्सा आपको नुकसान के अलावा कभी कुछ नहीं देता, तो जितना हो सके अपने अंदर गुस्से को कम करने की कोशिश कीजिएगा। लग्जेरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा आपको नहीं होगा, उसके बिना भी यदि रहने का मौका मिले तो आप आराम से रह लेंगे। और जिस तरह का विनस माउंट है आपका, यदि आपको कभी भी मौका मिले राजनीति में जाने का तो अवश्य जाइएगा, सफलता मिलेगी। मून माउंट हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है विनस माउंट की तरफ, विनस माउंट बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा नुकसान आपका नहीं जाएगा, लेकिन कभी ना कभी अपने द्वारा लिए गए फैसले की वजह से आपको पछतावा होगा। मून माउंट को जब स्पेस ज़्यादा मिलता है तो बाहरी लोगों के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, और बाहर के लोग यानी जिन्हें आप नहीं जानते हैं बचपन से, जो आपके रिलेटिव नहीं है, वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। तो आपके हाथ में साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिक्स की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं। दुश्मनों की तादाद काफ़ी होगी, हमेशा आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपके मर्करी के माउंट पे काफ़ी स्क्वायर के साइन हैं। मर्करी के माउंट पे यदि स्क्वायर के साइन अत्यधिक पाए जाते हैं, ये आपको प्रोटेक्शन देता है आपके दुश्मनों से या पैसे के लॉस से, हर तरह की लॉस से ये आपको बचाता है, ये एक तरह से आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। यहाँ पर तिल का साइन है, जिन लोगों के भी हाथ में मैं मणिबंध के करीब तिल का साइन देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कोई भी एक तिल आपके हाथ में है और जिसे कुछ नहीं, कोई एनालिसिस नहीं करना है और सिर्फ उस साइन को देख करके ये बताना हो कि आपके पास पैसा भरपूर होगा, तो ये तिल का साइन है। ये रेयर साइन है, सभी के हाथ में नहीं पाया जाता है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में ये साइन अभी तक पाया गया है, ऐसे लोगों की ऐसी व्यवस्था होती है कि इनके पास पैसा मंथली इतना आता है जितना लोग सालों में नहीं कमा पाते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं इनकी होती है। तो पैसा तो बहुत होगा, बहुत मतलब शायद आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं वहाँ 1 to 5 में आपका नाम होगा, मतलब इतना ज़्यादा पैसा होगा आपके पास। इंटरनेशनल फेम बहुत बड़ा है आपके हाथ में, ये लूप ऑफ ह्यूमर है, आपको हंसी मजाक करना पसंद आता है ऐसे लोगों को। ऑटोमास ठीक है आपका, निर्भीकता एक हद तक है, निडरता भी एक हद तक है, मुँहफट है आप, यदि कुछ बात आपके दिल में है तो वो मुंह पे कहना आप प्रेफर करते हैं, ना कि पीठ पीछे बात करते हैं उसके बारे में। इसके साथ ही यदि आप लगातार 3 या 4 घंटे काम करते हैं तो आपको बोरियत महसूस होती है, फिर आपको ब्रेक लेने का मन करता है, और जब ऊर्जा आपकी बॉडी के अंदर कम हो, ऊर्जा का अभाव आपको महसूस हो,
थकावट महसूस हो तो आप 3-4 घंटे पे काम करते वक्त ब्रेक लेते रहिए, नहीं तो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। और जिनके भी हाथ में उंगलियों का ये वाला पर्व ज़्यादा फैल जाता है या चौड़ा ज़्यादा दिखाई दे, थोड़े आलसी होते हैं, यानी धीरे धीरे काम करना पसंद करते हैं, हड़बड़ाहट इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप यदि कहेंगे कि जल्दी से करके दो या जल्दी से करो तो फिर इनको बहुत गुस्सा आता है। इनका मानना है कि कोई भी काम है उसमें हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। सोलह और सत्रह लगातार आपके जीवन में परिवर्तन आए और 16 साल के बाद से ही जीवन को दिशा नहीं मिल पा रही है। कब जा कर के आपके जीवन को दिशा मिली है हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि 16 के बाद ही आपके हाथ में यव की आकृति बन गई है। और जब आपके लाइफ लाइन पर यव की आकृति बनती है उस आयु में आपके जीवन को दिशा नहीं मिल पाती है, डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, इसीलिए आप जीवन तो जी रहे होते हैं वो, लेकिन वो दिशा विहीन होती है। ट्वेंटी टू के आसपास आपके जीवन को दिशा मिलती हुई दिख रही है। ट्वेंटी फोर में भी चेंज आया, देन आफ्टर 26 एंड हाफ में या तो आपका कहीं भी रिश्ता तय हुआ, रिलेशन बना या फिर कोई ना कोई इश्यूज, लेकिन यहाँ पर भी चेंजेस आ रहे हैं। 26 एंड हाफ, 29 एंड हाफ में या तो रिलेशन बना, रिश्ता तय हुआ या कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर भी चेंज आ रहा है 29 एंड हाफ में। थर्टी फाइव के लास्ट में चेंज आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर हो सकता है आपकी शादी हो जाए 35 के लास्ट में। 37 में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, और यहाँ से 35 में भी ऑफ शूट है तो खुशी मिलती हुई दिख रही है। 35 के बाद से ही लाइफ आपका मुझे बेहतर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले ऑफ शूट ना के बराबर है आपके हाथ में, यानी अपवर्ड ब्रांचेस आपके लाइफ लाइन से ना के बराबर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 37 में अपवर्ड ब्रांच है, 38 में है, 39 में है, 40 में है और 41 में, यहाँ पर भी 41 यहाँ पर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। यानी 37, 38, 39, 40, 41 लगातार आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर 41 में या तो तगड़ा कोई इन्वेस्टमेंट जाएगा, ठीक है, या फिर इफ़ अगर आपकी शादी 35 में नहीं होती है तो यहाँ पर शादी होने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर नहीं हो, यहाँ 35 के आसपास यदि शादी नहीं होती है तो 41 में फिर आपकी शादी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपके हाथ में ब्रह्मांड दो दो मैरिज के लाइन दे देते हैं, यदि पहले वाला आपका सही से नहीं बैठ पाता है, या होता है ना कि कुछ लोगों का रिश्ता बहुत होता है, शादी लेट होती है, तो कुछ इसी तरह का सीन होता है। यदि आपका रिश्ता पहले हो गया, शादी हो गई 35 में, तो 41 में फिर वहाँ पर आप पैसे लगाएंगे, किसी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे कहीं पे कुछ, लेकिन पैसा खर्च होगा यहाँ पर अच्छे सेंस में। उसके बाद 41 में चेंज आया, 42, 43, 44, 42, 43, 44, 45 के आसपास, 45 एंड हाफ में बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी आपको मिलते हुए दिख रही है। एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि 37 से लगातार आपके जीवन में अच्छे बदलाव आ रहे हैं। इनफैक्ट 35 के बाद से ही लगातार ऑफशूट्स हैं, लगातार अपवर्ड ब्रांचेस हैं आपके हाथ में, कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई देगी आपके हाथ में, कहीं भी इश्यूज़ नहीं दिखाई देंगे, यानी आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा सफल होते हुए दिख रहे हैं। जो प्रेडिक्शन मैंने किया है कि आप बहुत सफल होंगे, तो वो बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ को देख करके आयु के साथ जो गणना हो रही है उसमें साफ तौर पे पता चल रहा है। थर्टी
फाइव के बाद से लेकर यानी 35 एंड हाफ से लेकर 53 तक का टाइम आपका लाजवाब है, शानदार है, गजब का है। मतलब ना कोई टेंशन ना कोई फिक्र, एकदम से लाइफ काफ़ी बेहतर है। प्रॉब्लम क्या हुई है कि 53 के बाद यानी 54 के आसपास हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत समस्याएं आते हुए दिख रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम डिस्टर्ब हुआ है, वर्क आपका आराम से चल रहा है, प्रॉपर तरीके से मूव होता हुआ वर्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि जो भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं वो थोड़े बहुत हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन वाली स्थिति है। उसके बाद भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है, लेकिन 20 साल से ज़्यादा का एनालिसिस नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक मैंने 20 ईयर का एनालिसिस कर दिया है। 53-54 तक की बात हो चुकी है, उसके बाद भी काफ़ी ऑफशोर्स हैं, काफ़ी खुशियाँ हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत समस्याएं भी हैं। इस बीच का ये जो टाइम है, अभी आप जिस एज में एंटर करने वाले हैं, आपके लिए अति शुभ योग वो समय लेकर के आने वाला है और आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 35 से। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आप व्यापार के माध्यम से सफल हुए, ये मेरे लिए हैरानी की बात है। आपने कहा है कि कुछ मंथ से स्लो चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह की आपकी काबिलियत है उस हिसाब से तो आपको 1% भी सफलता नहीं मिली होगी। सही मायने में सफलता किसे कहते हैं या किस लेवल के आप हाथ है आपका, वो आपको 35 से पता चल जाएगा। देखिए, शादी की बात की जाए तो 35 में शादी होने के चांसेस आपके बन रहे हैं। बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन हाँ बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती शादी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी वीक साइन है। स्ट्रांग साइन आपके हाथ में मैरिज लाइन की बनती हुई 41 के आसपास दिखाई दे रही है। इससे पहले आपके हाथ में कहीं भी बहुत अच्छे साइन मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपने कहा है कि 2 साल पहले आपने प्रॉपर्टी ली है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो जाएगी 35 एंड हाफ में, क्योंकि होता ये है कि जब आपके हाथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाइन हो और यदि नीचे से आकर के ऑफशूट मिल जाए तो ये मतलब उस प्रॉपर्टी से मिलने वाले बेनिफिट को शो करता है। तो 35 एंड हाफ 36 के आसपास आपको ये प्रॉपर्टी क्लियरली आपके हाथ में मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, 35 के बाद कीजिए, क्योंकि 35 के बाद ही आप अत्यधिक सफल होते हुए दिख रहे हैं। और चिंताओं का दौर खत्म कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में प्रेशर लाइन है, इसको कम कीजिए। प्रेशर लाइन बिना मतलब का है। ऐसे लोग जो इतने सफल होंगे भविष्य में, इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सफलता, अत्यधिक सफलता, इतना सफल तो बहुत कम इंसान होता है। जितनी सफलताएं आपके हाथ में हैं, आपको मेरी बात का एहसास होने लगेगा जब आप 35 में एंटर करेंगे, और 37 के बाद से तो पूरा का पूरा जीवन ही आपका बदल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।